नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइट रमेश पे। तो दोस्तों आज आपके लिए गया कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपने वीडियो पे जो भी आप वीडियो देख रहे हो YouTube पे, दोस्तों आपको एक देखने को मिलता है, जो भी आपका वीडियो चल रहा है उस पर आपको आई बटन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो वो देख सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आप बार नो अपने जो भी वीडियो एंड होता है उसमें आपको एंड स्क्रीन देखने को मिलती है, वो आप एंड स्क्रीन में दो भी एक या दो वीडियो आपको देखने को मिलता है, वो किस प्रकार लगा सकते हो इस वीडियो में बताने वाला मैं आपको। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है और एंड तक देखना है, आपको सब कुछ सब डिटेल में बताने वाला मैं आपको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों जरा भी टाइम वेस्ट के चलते अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों मोबाइल की होम स्क्रीन के बाद में आपको चले जाना है गूगल क्रोम में। दोस्तों आप जैसे ही गूगल क्रोम में आओगे यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है studio.youtube.com, ये सिंपली सर्च करके आपको डाल देना है। दोस्तों आप जैसे ये सर्च करके डालोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है आपको। दोस्तों आपका YouTube चैनल ओपन हो जाएगा इस प्रकार। और दोस्तों इसके बाद में सिंपली आपको सेकंड नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके जो भी वीडियो होंगे वो यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं आपके आई बटन आप कैसे लगा सकते हो अपने किसी भी वीडियो में। दोस्तों यहाँ से आपको अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया इस प्रकार और आपको भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आई कार्ड का, यहाँ पे आपको अंदर में आई कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आपको आई कार्ड लगाना है तो यहाँ पे आपको जितनी भी यानी कौन कितनी सेकंड में या कितने मिनट पे आपको आई कार्ड लगाना है अपने वीडियो में तो उसको यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल करके यहाँ से ले जाना है। यानी मेरे को एक दो मिनट बाद में आपको यहाँ पे आई कार्ड लगाना है तो मैं ऐसे दो मिनट पे ले चुका हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको वीडियो वाले दोस्तों इसके बाद में आपको एक वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर ऊपर, इस पर आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से आपको जो भी वीडियो एडिट करना हो आई बटन में वो आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार। दोस्तों मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों आपको वीडियो पर कोई भी टाइटल डाल रहा हूँ यहाँ पे तो वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने वीडियो की लिंक भी डाल सकते हो या अगर कुछ नहीं डालना तो यहाँ पे वो भी रख सकते हो बिना कुछ डाले। इसके बाद में दोस्तों सिंपली सेव कर देना है। दोस्तों जैसे ही सेव करोगे आपके यहाँ पे अपने जो भी वीडियो हुए वो दो मिनट बाद में आपका आई बटन लग जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बात करें अपने वीडियो में कितनी बार आई बटन लगा सकते हो, दोस्तों वहीं बता देगा अपने वीडियो में 5 बार आई बटन लगा सकते हो। आप किसी भी लॉन्ग वीडियो में 5 बार आई बटन लगा सकते हो, 5 से ज़्यादा आई बटन नहीं लगा सकते आप। तो दोस्तों वही बात करें अब एंड स्क्रीन की, अपने वीडियो के एंड स्क्रीन में आप कैसे लगा सकते हो अपने वीडियो के एंड स्क्रीन में जो भी आपको दो वीडियो शो करें या 3 वीडियो शो करें वो किस प्रकार शो करवा सकते हो। दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको आई कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको ऑप्शन देखने मिलेगा एंड स्क्रीन का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा कि आप किस प्रकार अपने वीडियो पे एंड स्क्रीन लगाना चाहते हो। यहाँ से आपको 4 ऑप्शन देखने मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ से 2 वाले ऑप्शन फोर्थ नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 वीडियो में एडिट करना चाहता हूँ यहाँ से। दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिलेगा बेस्ट ऑफ फॉर व्यूअर, यानी आपके वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए वो वीडियो लगाना चाहते हो या चूज स्पेसिफिक वीडियो, तो यहाँ से सिंपली चूज स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो भी आपको वीडियो सेलेक्ट करना हो लगाना हो वहाँ पे वो लगा लेना है सिंपली यहाँ से। दोस्तों मैंने यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक करता हूँ और सेकंड नंबर पे क्लिक करके तो दोस्तों मैं जैसे सेकंड नंबर ऑफ वीडियो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मोस्ट रिसेंट अपलोड यानी जो भी आपने रिसेंट में अपलोड किया वीडियो वो अपलोड यहाँ पे लगाना है या फिर ज़्यादा जिस पे ज़्यादा व्यूज आए वो लगाना है या फिर अपने कोई भी स्पेसिफिक वीडियो को चूज करके यहाँ से लगाना है। दोस्तों मैं यहाँ से स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई सा भी वीडियो अच्छा हो वो लगा लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों इस प्रकार मैंने एक वीडियो यहाँ पे लगा लिया है। इसके साथ ही दोस्तों मेरे वीडियो पे 2 एंड स्क्रीन लग चुकी है, 2 वीडियो लग चुके हैं एंड स्क्रीन में। और दोस्तों अगर आपका जो भी व्यूअर होगा कोई भी देखने वाला होगा वो अपने जो भी वीडियो अच्छा लगेगा उस पर क्लिक करके यहाँ से देख सकता है एंड स्क्रीन से। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली नेक्स्ट पे सेव कर देना है आपको। दोस्तों आप जैसे सेव करोगे आपके वीडियो पे एंड स्क्रीन लग चुकी है। और दोस्तों इस प्रकार जो भी आपका वीडियो देख रहा है उसको एंड स्क्रीन में जो भी वीडियो अच्छा लगे वो आपको देख सकता है जाके इस प्रकार, और आप अपने एंड स्क्रीन लगा सकते हो इस प्रकार। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ से आपको सबटाइटल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे जो भी आपने वीडियो पर सबटाइटल लिखा है इंग्लिश में वो आपको हिंदी में हो जाएगा और आप हिंदी में लगाना चाहते हो हिंदी में कर सकते हो इस प्रकार। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।